एसवीएन इंटर कॉलेज राजापुर प्रयाग, क्लास 10th इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, रियल नंबर, एक्सरसाइज 1.3 हम लोग पढ़ने वाले हैं और लेक्चर 8। इरेशनल नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अ नंबर यस इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, जहां पर p और q क्या है, इंटीजर है, और q नॉट इक्वल टू जीरो, तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल रूट टू, रूट थ्री, पाई, पाई फाइव बाई रूट थ्री, 0.110111011110 एंड सो ऑन। इस प्रकार के नंबर आप क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। हम लोग इसको पढ़ भी चुके हैं, फिर भी हमने एक बार रिविजन कर लिया। थ्योरम देखते हैं, थ्योरम 1.3। लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब जो पी है वह ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन पी डिवाइड्स ए, तो जो पी होगा वह ए को भी डिवाइड करेगा, वेयर ए इज द पॉजिटिव इंटीजर। मतलब ये थ्योरम है, कह रहे हैं कि अगर ए स्क्वायर को जो p है वह डिवाइड करता है, और p क्या है आपका, प्राइम नंबर है, तो जो p होगा वह a को भी डिवाइड करेगा, ये हमको प्रूफ करना है। प्रूफ देखिए, लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a बी एज फॉलोज, मतलब हमने मान लिया कि a के जो प्राइम फैक्टर हैं वह इस प्रकार हैं, p1 into p2 into p3 डैश pn, वेयर p1 p2 p3 डैश pn आर प्राइम नंबर। मतलब जो हमने ए के फैक्टर माने वह इस टाइप के मान लिए, और p1 p2 एंड सो ऑन ये क्या है, प्राइम्स हैं। स्क्वायर किया, क्यों, यहाँ स्क्वायर यूज है थ्योरम में, स्क्वायर जब करेंगे, स्क्वायर में क्या हो गया, p1 p2 p3 डैश pn और p1 p2 p3 डैश pn का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई करने p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर डैश pn स्क्वायर। समझ आ रहा है, आगे देखिए, Now it is given that p is the prime factor of a square. Means clear हो गया, यहाँ पे given था कि जो p है वह p क्या था, prime number था, prime factor था, तो a square का भी जो p होगा वह क्या हो जाएगा, prime factor हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं fundamental theorem of arithmetic, क्या जानते हैं, अगर कोई composite number है तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के नंबर के फॉर्म में, अर्थात कंपोजिट नंबर अपने से छोटे नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिखे जाते हैं, और जहां पर हुए फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। देयरफोर देयर कैन नॉट बी एनी अदर प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर अदर देन p1 p2 p3 डैश pn। कहने मतलब हुआ, अगर कोई कंपोजिट नंबर है आपका, तो जो उसके फैक्टर होते हैं वह क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में सीखा था, उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे, जो यूनिक वैल्यू होंगे, उसके ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन फैक्टर आपके क्या होंगे, यूनिक होंगे। कहने मतलब क्या हुआ, हैंस पी मस्ट बी वन ऑफ p1 p2 p3 डैश pn। मतलब जो यहाँ पे p1 p2 p3 डैश pn है, जो p आपका प्राइम नंबर है, वह इसी में से कोई एक वैल्यू होगी। क्लियर, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम में हमने सीखा था कि जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो यूनिक होते हैं, अर्थात p अगर प्राइम नंबर है यहाँ पे, तो ये इन्हीं में से कोई एक वैल्यू होगी। नाउ सिंस एज इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3 डैश pn एंड p इज वन ऑफ द p1 p2 p3 डैश pn, मतलब जो p कहने मतलब नंबर जो होगा वह इसी में से एक प्राइम नंबर होगा, इसका मतलब p जो होगा वह a को क्या करेगा, डिवाइड्स करेगा। क्लियर हो गया। नोट, अगर p कोई प्राइम नंबर हो तो जो रूट p होगा वह क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। जैसे 2 अगर प्राइम नंबर है तो रूट 2 क्या होगा, इरेशनल होगा। 3 क्या है, अगर प्राइम नंबर है तो रूट 3 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि अगले पार्ट में हम लोग इसको यूज करेंगे। उससे पहले हम लोग को प्राइम नंबर
हम लोग जानते भी हैं, ये फिर भी एक बार, को प्राइम नंबर, टू नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर उन दोनों नंबर में ना हो अदर देन वन, वन के अलावा। क्लियर हो गया, मतलब उन दोनों नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे 30/25, इसमें देखिए 5 से कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन, अगर डिवाइड कर दें तो 5/6 = 30, 5/5 = 25। अब जो 6/5 जो वैल्यू आई है, अब इसमें देखिए इन दोनों नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसकी मीनिंग हुई कि 6 और 5 क्या है, को प्राइम नंबर। क्लियर हो रहा है, को प्राइम स्पष्ट, को प्राइम मीन्स वे दोनों नंबर उसमें जो कोई भी नंबर कॉमन ना आए। क्लियर, नेक्स्ट थ्योरम 1.4, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रूफ दैट रूट टू इज इरेशनल। तो प्रूफ देखते हैं, हमको प्रूफ करना है कि रूट टू क्या है, आपका इरेशनल है। लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी दैट रूट टू इज रेशनल, हमने कंट्राडिक्शन मान लिया कि रूट टू क्या है, आपका रेशनल है। फिर देखिए इसी को लिख दिया गया है, तो हमने इसको रूट टू क्या सपोज कर लिया है, रेशनल। तो रेशनल मीन्स रूट टू को हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू इंटीजर हो सकता है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इंटीजर होगा ही। अगर हम कहें कि इन दोनों में कोई कॉमन नंबर है और उसे डिवाइड करने पे अगर ए आए और यहां पे बी आ जाए, तो इसको ऐसे ले सकते हैं रूट टू इक्वल टू ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, मतलब को प्राइम मीन्स, हमने को प्राइम क्यों लिया, को प्राइम मीन्स मतलब हुआ कि यहां पे कोई कॉमन नंबर अब नहीं आएगा, अभी हमने पढ़ा डिफिनेशन, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। क्लियर हो रहा है, और देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट टू बी इक्वल टू ए और ए इक्वल टू रूट टू बी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर टू इंटू बी स्क्वायर। अब देखिए ये 2 का मल्टीपल है, मतलब जो ए स्क्वायर होगा वो 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू समथिंग ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि जो ए स्क्वायर होगा आपका वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, अभी हम लोगों ने पीछे थ्योरम पढ़ा, अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो जो ए होगा वह 2 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्लियर, सो वी कैन राइट ए इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, मतलब अगर भाई ए अगर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 2 के मल्टीपल में कुछ होगा, तो हमने 2c मान लिया, वेयर c इज सम इंटीजर, कोई इंटीजर हो सकता है 2c। अब ए की वैल्यू 2c हमने इस इक्वेशन में पुट किया, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन अबव इक्वेशन, तो ए की वैल्यू क्या पुट किया, 2c होल स्क्वायर ब्रेक किया, 4c² = 2b² 2 2 = 4, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2c² आ गया, मतलब जो बी स्क्वायर है वह 2 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि 2 के मल्टीपल में समथिंग आया है और ये बी स्क्वायर की वैल्यू है, हेंस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, अगर बी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है और डिविजिबल हो रहा है और बी भी 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्लियर हो रहा है, देयरफॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट 2 एज कॉमन फैक्टर, क्योंकि ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है और बी 2 से डिविजिबल हो रहा था, तो इसका मतलब है कि जो 2 है वह आपका क्या है, कॉमन फैक्टर हो गया, और हमने ए और बी क्या माने थे, को प्राइम नंबर, अर्थात कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जबकि यहां पे क्या कॉमन फैक्टर आ गया, आपका 2 आ गया, तो दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, कंट्राडिक्शन आ गया। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट रूट टू इज रेशनल, क्योंकि हमने एजम्पशन जो किया था, क्या किया था, इनकरेक्ट किया था कि रूट टू क्या है, रेशनल है, इसीलिए यहां पे कंट्राडिक्शन आ गया है। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट रूट टू इज इरेशनल, तो क्लियर हो गया,